ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। बहुत समय पहले की बात है, इसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही पेशे से वो एक कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाता रहता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया जरा 2 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। भजमन कैसा कसाई है? मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते हुए मांस बेचते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा? इसे उठाकर रख लेता हूँ, देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। ये पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। आज इसी पत्थर से वजन तोलता हूँ। हाँ भैया, कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब ये पत्थर 1 किलो वजन का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? एक बार 5 किलो रख कर देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है ये पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। मुझे तो लगता है ये किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में कहीं गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन सदना की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता जाग गई। पंडित जी उसके साथ सदना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। वो ध्यान से उस पत्थर पर दूर से नजरें गड़ाए रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोएं खड़े हो गए। सदना, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो, तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम ये नहीं जानते शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम? पंडित जी फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, मुझसे भूल हो गई। श्रीहरि मुझे क्षमा करना, मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम के इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। कृपया करके ये पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला कैसे ठुकरा सकता हूँ। लाओ ये मैं ले जाता हूँ। पंडित जी उस शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने वह पूजा अर्चना आरम्भ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात पंडित जी के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और बोले, ब्राह्मण मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हुई है? ब्राह्मण तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था।
और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना के मुख पर सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए मुझे वो अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ही तरह वो भी मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कल ही आपका यह स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊंगा। पंडित जी अगले दिन ही सदना कसाई के पास गए व उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। सदना तुम महान हो, भगवान विष्णु श्री हरि ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद स्वरूप ये शिला सदैव तुम्हारे पास ही रहे और वे तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठाएं। सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा, वो मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं। यदि प्रभु मेरे पास इस दुकान पर जहां मैं मांस बेचता हूं रह सकते हैं तो मैं क्यों उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं आपसे मांस नहीं बेचूंगा, मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आज से यही नियम है, भगवान श्री हरि की भक्ति करना। पंडित जी ने श्री शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मनी मन उसने मांस बेचने के कार्य को छोड़ देने का विचार और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए और उनकी कीर्ति व नाम चारों दिशाओं में विख्यात हो गया।